अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 31, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रॉब्लम 41 है। वो कहता है कि जनाब के आपके पास फिक दे दी गई है 31.7, जिसमें 200 ओम की रेजिस्टेंस है, 70 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 230 मिली हेनरी की इंडक्टेंस है और फ्रीक्वेंसी सोर्स की आपके पास 60 हर्ट्ज है, 36 की वोल्ट की पीक ईएमएफ जनरेट करता है। हमसे इम्पीडेंस मांग रहा है, फेज कांस्टेंट मांग रहा है, मैक्सिमम करंट मांग रहा है और फेजर डायग्राम। अब हमें इम्पीडेंस निकालने के लिए सर्किट में मौजूद सारी चीजें चाहिए। हम जानते हैं आर बराबर आर स्केयर प्लस एक्सएल स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो एक्सएल निकाला जा सकता है, एक्स सी निकाला जा सकता है, 1 ओवर ओमेगा सी, ओमेगा 2πf होता है, तो सारी वैल्यूज डलेंगी, 37.9 ओम आ जाएगी रिएक्टेंस कैपेसिटर की, इसी तरीके से इंडक्टर की रिएक्टेंस आ जाएगी 86.7, ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देंगे। रेजिस्टेंस उसने हमें खुद से दी हुई थी, तकरीबन 206 ओम की इंपीडेंस आ जाएगी। फेज कांस्टेंट आरएलसी सर्किट का देखना हो तो एक्सएल माइनस एक्ससी ओवर आर, एक्सएल भी पता है, एक्ससी भी पता है, आर भी पता है, तो ये 13.7 डिग्री आ जाएगा। मैक्सिमम करंट देखना हो तो पीक वोल्टेज भी पता है और इंपीडेंस भी पता है, तो ये 0.175 एम्पीयर का करंट चल रहा होगा यहाँ पे। फेजर डायग्राम की बात करें, चूंकि तीनों चीजें एक्ट कर रही हैं, तो हम कहेंगे वी आर बराबर आ जाएगा 35 वोल्ट के, देन आपके पास वी एल बराबर आ जाएगा 15.2 के, वी सी आ जाएगा 6.62 के, आई मैक्सिमम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास आई की वैल्यू पता थी सारी, अब आप कह सकते हैं कि एक्सएल ग्रेटर है किससे, एक्ससी से, तो आप कहेंगे यानी आपके पास जो वीसी कम है, वीएल इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, तो हम कहेंगे ईएमएफ लीड करेगी, क्योंकि इंडक्टर भी लीड वो कर रहा है डोमिनेंट, तो आपके पास ईएमएफ लीड करेगी किसको, करंट को, क्योंकि करंट तो आर की डायरेक्शन में ही होना है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।